सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश्चियन, टेक्निकल के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, डोकोमो तीनों चारों कंपनियां मिलकर मिनिमम रिचार्ज की कंडीशन या फिर वैलिडिटी के रिचार्ज मार्केट में निकाल चुकी हैं। अगर आप अपने नंबर को एक्टिव रखना चाहते हो तो हर महीने आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, अपने नंबर की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ती है, तभी आपके पास इनकमिंग कॉल आ सकती है। तो आज इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि वोडाफोन कंपनी की तरफ से एक नया रिचार्ज प्लान आया है, जो ऐसे यूजर परेशान होते हैं हर महीने अपने नंबर पर रिचार्ज करा करा के वैलिडिटी बढ़ा बढ़ा के, तो उनके वोडाफोन एक नया रिचार्ज प्लान निकाला है जो 154 का, जिसमें कि 180 दिनों तक की वैलिडिटी मिलती है। तो आज इस वीडियो में इसी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि प्लान आपके लिए कितना बेस्ट हो सकता है, आपको करा लेना चाहिए फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि वोडाफोन ने यह प्लान निकाला है जो 154 का है, बेसिकली उन्हीं यूजर के लिए निकाला है जो यूजर इस मामले में ज्यादा परेशान है कि उनके नंबर की वैलिडिटी, मतलब उनको अपने नंबर पर हर महीने रिचार्ज वैलिडिटी का कराना पड़ता है। तो दोस्तों वोडाफोन का जो रिचार्ज प्लान है ये 154 का, जिसमें कि आपको वैलिडिटी 180 दिनों तक की मिलती है और इसकी कॉल रेट वही है 2.5 पैसे, मतलब कि आपको इतनी कॉल रेट पर सेकंड की मिलती है, मतलब कि आपकी कॉल रेट होगी करीबन 1.5 रुपये एक मिनट का होगा। और साथ ही आपको जो एसएमएस का चार्ज दिया जाएगा, बेसिकली लोकल एसएमएस आप अगर करोगे तो 1 रुपया चार्ज है, अगर आप नेशनल एसएमएस करोगे तो आपको 1.5 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही वोडाफोन की तरफ से इसमें आपको 600 मिनट दी जा रही है वोडाफोन टू वोडाफोन, अगर आप 11 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह बात करना चाहो तो वोडाफोन टू वोडाफोन आप इन विन को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये प्लान है वोडाफोन की तरफ से जो 154 का, स्पेशल उन यूजर्स के लिए जो हर महीने अपने नंबर पर रिचार्ज नहीं कराना चाहते। तो मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन की तरफ से प्लान काफ़ी महंगा है। अगर आप मान लीजिए अगर आपके नंबर पे बैलेंस पड़ा है और आप सिर्फ वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हो तो 154 रुपये का रिचार्ज करा के आप बड़ी आसान से 6 महीने तक की वैलिडिटी बढ़वा सकते हो। पर मेरा मानना यह है दोस्तों कि आपको जो 35 पैसे 95 रुपये के रिचार्ज में आपको जो बैलेंस भी मिलता है, साथ में आपकी जो कॉस्ट पड़ती है वो काफ़ी कम पड़ती है। मान लीजिए 35 का आपने रिचार्ज कराया, 26 रुपये का आपको टॉक टाइम इसमें वापस मिल गया, आप बेसिकली आपको 9 रुपये ज़्यादा देने पड़े, हालांकि कॉल रेट भी महंगी मिल रही है इसमें भी, और उसमें भी कॉल रेट आपको महंगी मिलेगी। अगर हम इसकी बात करें 154 की, तो आपको बता दूँ कि 85 पैसे पर डे मतलब कि इसका चार्ज लग रहा है, और वहीं अगर हम बात करें 35 रुपये के प्लान की तो उसमें करीबन आपको 50 पैसे का चार्ज लग रहा है। तो ये काफ़ी लंबी वैलिडिटी का रिचार्ज प्लान है, हालांकि काफ़ी अच्छा भी हो सकता है उन यूजर्स के लिए जो ये नहीं चाहते बेसिकली हर महीने रिचार्ज कराना, तो वो लंबी वैलिडिटी का रिचार्ज प्लान करा सकते हैं। पर ये दूसरे रिचार्ज प्लान के कंपेरिजन में काफ़ी महंगा भी है। तो दोस्तों मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको मतलब रिचार्ज ही कराना है तो 35-35 रुपये का रिचार्ज करा सकते हो, फिर 35 पैसे 95 रुपये का रिचार्ज करा सकते हो, उस मामले में वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, उसमें आपको टॉक टाइम भी मिलता है। पर 154 में आपको सिर्फ वैलिडिटी ही मिलती है इसमें, कि अगर जो यूजर चाहते हैं स्पेशली उनको लंबी वैलिडिटी चाहिए तो उनके लिए रिचार्ज प्लान बेस्ट हो सकता है, बाकी उन यूजर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा जो यूजर अपने नंबर पर स्पेशल रिचार्ज भी कराते हैं, बेसिकली बैलेंस भी डलवाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए वो रिचार्ज बेस्ट होगा, जैसे कि 35 पैसे 95 का जो रिचार्ज उनको मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि वोडाफोन की तरफ से जो प्लान है कैसा आप सभी के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बैठ कर जय हिंद।